अभी सुबह के 3:30 बज रहे हैं और ये इस ब्लॉग का डे टू है, पार्ट टू भी बन रहा है और डे टू आ चुका है अब, ठीक है। रात के 12 बजे के बाद डे टू आ गया और गोरखपुर अभी आने वाला है, ठीक है। तो अभी गोरखपुर तक से मतलब आने वाला है टाइम, गोरखपुर आते हैं फिर ब्लॉग को पूरा करने में। देखो डे टू स्टार्ट हो चुका है, इसी तरह बड़ा भी अंधेरा है, इसके बाद से तब भी आप इन्जॉय करो, ठीक है। डे टू पूरा ब्लॉग देख सकते हैं, चलो आ जाओ। हम आ गए अपने गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर और आप मानेंगे नहीं, यहाँ पे विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, और ये पीछे गोरखपुर और ये अपना सीट है पीछे। मात्र 10 मिनट हॉल्ट करने के बाद अपनी ट्रेन गोरखपुर जंक्शन से खुल चुकी है, देखते हैं कितनी देर में हमको अपनी जैसे मुजफ्फरपुर तक पहुँचाती है। पूरा इंजॉय करते रहो, ठीक है। आज आ गए हैं इस ट्रेन के डे टू के 3rd स्टॉप पर सिसवा बाजार, ठीक है। अभी सिसवा बाजार है, यहाँ पे रुका हुआ है, 2 मिनट का हॉल्ट है तो इसलिए नीचे नहीं उतर रहे हैं। 2 मिनट का हॉल्ट है सिसवा बाजार का। अब आपको दिखाते हैं सुबह को सुबह का सबसे बेहतरीन सीन, ठीक है। देखिए आप और एंजॉय कीजिए उस चीज को। गाइस फाइनली हम आ गए हैं बगहा और देखो चढ़ने वालों की लोगों की संख्या भी चढ़ रही है, जो आगे जाके उतर जाएंगे कुछ देर में। देखो ये लोग जा रहे हैं पीछे डी टू बॉक्स में बगहा रेलवे स्टेशन, दिखाता हूँ आप।
स्टेशन आ चुका है हमारा, ठीक है। और प्लेटफॉर्म पे भी लग रही है, इसी तरह प्लेटफॉर्म है, लेकिन गेट के पास इतनी भीड़ है क्या बताया जाए, मतलब हद से ज़्यादा लेवल भीड़ है, ठीक है। और देख लो ये आ गया बेतिया रेलवे स्टेशन, ट्रेन चलेगी तो फिर मैं दिखाता हूँ आपको पीछे का सीन। के 20 मिनट पे हम लोग आ गए हैं सगोरी रेलवे स्टेशन, और देन इस पर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, जो लोकल लोग होते हैं यहाँ के चढ़ने वाले वो चढ़ेंगे यहाँ से, लोकल लोग भीड़ तो है यहाँ पर। तो अब इसके बाद है मोतिहारी, देखते हैं मोतिहारी कितने बजे पहुँचाएगी। ऑलमोस्ट लेट ही चल रही है, घंटा तो एक से डेढ़ घंटा लेट ही चल रही है ट्रेन। देखते हैं देखो कितने और लोग हैं चढ़ने वाले, दिख रहे हैं ना सारे। चकिया रेलवे स्टेशन, देन यहाँ पे भी 4-5 मिनट का स्टॉप है, एंड देन उसके बाद फिर चलते हैं चकिया महसी, या फिर तो उसके बाद अपना मुजफ्फरपुर तो आने ही वाला है। बस चकिया आ गया, चकिया का पूरा सीन देखो और देन उसके ब्लॉग को कंटिन्यू करते हुए कुछ देर के बाद एंड भी कर देंगे, ठीक है। चलो चकिया देखो पहले आप। फाइनली अभी चकिया क्रॉस कर लिया, आपने देख भी लिया, देन अब मैं सोच रहा हूँ ब्लॉक को ज़्यादा लंबा ना करते हुए सीधा मुजफ्फरपुर में मिलते हैं, जब मुजफ्फरपुर आने वाला हुआ तब मिलते हैं, ठीक है। तब तक रस्ते में कुछ सीन एंजॉय करो एंड देन मिलते हैं मुजफ्फरपुर स्टेशन में थोड़ा सा पहले, ठीक है। तो बस चलो आ गए मुजफ्फरपुर से, सेकंड लास्ट स्टॉप, लास्ट स्टॉप में कांती लिखा हुआ है, देखो उल्टा दिख रहा होगा, कांती आ चुके हैं यहाँ पे, 3-4 मिनट का हॉल्ट है, उसके बाद सीधा लास्ट मुजफ्फरपुर अपना आने वाला है। बस
गाइस फाइनली हम आ चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन मतलब मुजफ्फरपुर जंक्शन पर। आप फाइनली अब उतरने वाले हैं, हम सामान बहुत सारा धीरे धीरे करके उतारेंगे। मुजफ्फरपुर आ चुका है अब, ठीक है। तो बस मुझे भी उतरते हैं, सामान उतारते हैं, फिर बाहर जाके इस ब्लॉग को करते हैं पूरी तरीके से एंड, ठीक है। तो आप बताओ आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कर देना हमारे चैनल को सब्सक्राइब। और बाहर थोड़ी और बातें करते हैं, फिर ब्लॉग को पूरी तरह से एंड कर देंगे, ठीक है। चलो गाइस फाइनली हम उतर गए हैं, पीछे अपनी ऐसा इन बोगी खड़ी है और अपना सामान भी उतर चुका है। देन इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं। तो आप बताइए आपको कैसा लगा ब्लॉग, पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, कर देना मैं सब्सक्राइब। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है। इसलिए बस देखते रहिए, घूमते रहिए, निरंजन के वीडियो सब। बाय एंड टेक केयर, ध्यान रखें अपनी फैमिली का। बाय, लव यू।